हम सम्मान नागरिक संहिता ये जो कानून लाना चाहते हैं, एक कानून सबके लिए लागू हो, जिसमें यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब उसके माध्यम से सबको समान अधिकार मिलेगा। कोई एकाधिक शादियां करता है तो उस पे भी अंकुश लगेगा। फिर बच्चे उसका जो लाभ मिलता है, आरक्षण का लाभ या जो सुविधाएं मिलती है, वो सब समान रूप से मिलेगी, इसलिए हम उसके पक्षधर हैं। और जब इस प्रकार का होगा तो जनसंख्या नियंत्रित भी रहेगी और व्यवस्थित रूप से रहेगी। देखिए, किसान की मांगे मानी गई है। किसान के लिए हमने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा चिंता की है। मृदा परीक्षण से लेकर के और मिनिमम सपोर्ट बढ़ाने की दृष्टि से भी, उनकी उपज का मिनिमम सपोर्ट बढ़े और बीमा सुविधा उसको मिले। किसान को फसल बुवाई करते समय कोई आपत्ति आ जाए, विपदा आ जाए, तो भी वो उसकी फसल, किसान की बीमित है। इंडिविजुअल किसान की फसल को बीमा करने का जो निर्णय किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इससे पहले पूरे क्षेत्र में यदि आपदा आए, हानि हो, और तो ही किसान को लाभ मिलता था, लेकिन हमने तो इंडिविजुअल किसान की फसल को बीमा करने का ये जो निर्णय ले लिया, तो किसान को तो इससे फायदा ही हो रहा है। और किसान की चिंता तो जैसे उसको पेज मतलब सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, बांध को सुदृढ़ करवाना, नहरों का सुदृढ़ीकरण कराना, और इसके अलावा उसके जो औजार पर, हमने कई औजारों पर टैक्स कम किया है या किसी को मुक्त भी किया है। ये सब सुविधाएं हमने किसान को दी है। किसान सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। किसान को तो हम ताकत देने का काम कर ही रहे हैं और भी करेंगे। कोई मांग किसान की आएगी तो सरकार गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करेगी, चिंतन करेगी, निर्णय करेगी। जो ईआरसीपी योजना जो पहले 2015-16 में इसका प्रारूप तैयार हुआ था, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया। और उसके बाद हमारी सरकार जो इस बार बनी, तो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान का समझौता हुआ, इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे और वो समझौता हो गया, तो उसको धरातल पे उतारना है। उसका शिलान्यास भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में और वहाँ पर होगा, राजस्थान में दादिया के पास में एक बहुत बड़ा आयोजन, जिसमें राजस्थान से लगभग 2.5-3 लाख लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, उसमें भी उससे भी राजस्थान को लाभ मिलेगा। जो पानी की समस्या राजस्थान की जनता के लिए है कि सिंचाई और पेयजल के लिए, उससे 16 जिले राजस्थान के लाभान्वित होंगे। लेकिन वैसा विपक्ष आरोप ये लगाता है कि जो ईआरसीपी परियोजना वसुंधरा राजे के समय बनी थी उसको मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये दोनों राज्यों के बीच में जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सियासत बनकर ही रह जाएगी सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम अपने हक का पानी मांग रहे हैं, तो हमारे हक का पानी हमको मिलेगा। और दोनों सरकारों ने बैठ करके और जो तय किया है, उससे हमें पूरा पानी मिलने वाला है। हमारे 16 जिले लाभान्वित होंगे, उसकी योजना बन गई, प्रारूप तैयार हो गया और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा, उसमें तो विपक्ष का काम ही यही है। वैसे वैसे सकारात्मक काम में आरोप लगाना नहीं चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए, सहयोगात्मक रुख रखना, जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिलने वाला है, ऐसे काम करवाना चाहिए। इसी प्रकार से हम अब जवाई पुनर्भरण का जो है, वो भी काम प्रगति पर है। वो भी पिछली 5 साल पिछली सरकार ने, उसमें भी कुछ नहीं किया, उसमें भी हमारी सरकार ने ही किया था। 6,000 करोड़ रुपया पहले स्वीकृत किया था, 3,000 रुपया पहले 3,000 करोड़ रुपया पहले फेज में, और वो राशि मिल चुकी, वहाँ भी काम शुरू हो गया प्रगति पर। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी राजस्थान आ रहे हैं।
क्या लगता है पंचायती राज संस्थाओं की और निकाय संस्थाओं के जब चुनाव होंगे तो उसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, फायदा तो मिलता ही है। कहीं पर भी हम यदि कोई काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, जनता जिससे प्रोत्साहित होती है, तो फायदा तो उसका निश्चित रूप से मिलेगा ही। और वैसे हमारा संगठन भी अब सुदृढ़ हुआ है, मजबूत है। और वैसे भी पंचायतों में भी अधिकांश पंचायतें, अधिकांश पंचायत समिति के प्रधान और अधिकांश जिला प्रमुख ये हमारी पार्टी के हैं। और भी हमारी पार्टी व्यापक प्रचार प्रसार करके और पूरा संगठन को मजबूती मिली है, उसका लाभ तो हमें राजनीतिक दृष्टि से मिलता ही मिलता है। राजस्थान सरकार धर्मांतरण, देखिए, धर्मांतरण किसी भी प्रकार का जबरन नहीं होना चाहिए। हमारे मौलिक अधिकारों में ये एक है कि व्यक्ति अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको दिया गया है। कोई भी प्रभावित हो जाए, समझ सोच समझ करके किसी भी धर्म को अपनाए, लेकिन कहीं प्रलोभन दे करके या दबाव डालकर या जबरन ऐसा कोई भी या भ्रमित करके धर्मांतरण करवाता है तो ये कानूनन अपराध है। तो ऐसे एक एक्ट हमने भी बनाया है राजस्थान में निश्चित रूप से। और ये मौलिक अधिकारों की रक्षा भी है और ये धर्मांतरण जो करवाया जा रहा है हमारे समाज में, हम देखते हैं कि हमारी संख्या आनुपातिक दृष्टि से घटती जा रही है। और जो इसमें प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये संतुलन बिगड़ेगा इससे। तो यदि इस एक्ट के कारण से संतुलन व्यवस्थित रहेगा।